प्रयागराज के सिविल लाइन्स इलाके में जमकर हुई मारपीट, पार्किंग के विवाद में हुई झड़प। लखीमपुर खीरी में रास्ते के विवाद में दो गुटों में मारपीट, एक पक्ष ने दूसरे की बाइक फूंक की। नर्मदा में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने पहुंचे महाराष्ट्र के एक परिवार की गाड़ी हादसे का हुई शिकार, 5 जख्मी। अलवर में गोल्ड लोन कंपनी में लूट की कोशिश नाकाम, कर्मचारियों की मुस्तैदी की वजह से टली वारदात। भरतपुर में जब्त की गई कई गाड़ियों में अचानक लगी आग, वजह अब तक साफ नहीं। हरिद्वार में दो बंदूकों के साथ नाचता नजर आया शख्स, वायरल वीडियो की जांच में जुटी पुलिस। रुड़की में दनादन गोलियां दागते नजर आए पूर्व विधायक और उनका बेटा, शस्त्र पूजा के दौरान की तस्वीरें। पुणे रेलवे स्टेशन के पास विज्ञापन के बड़े बैनर में लगी आग, दमकल की दो गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। दिल्ली के रोहिणी में स्पेशल सेल और बदमाशों के बीच मुठभेड़, आरोपी पर 18 मामले दर्ज। देहरादून में बीजेपी नेता को बदमाशों ने मारी गोली, गोली मारने की वजह अब तक साफ नहीं। वेद गोदावरी में डिप्लोमा छात्रा पर सनकी युवक ने किया हमला, शादी से इनकार पर वार। सागर में लड़की से रेप केस दर्ज कर पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। हाथरस में बिजली विभाग की लापरवाही से लाइनमैन की मौत, ड्यूटी के दौरान अचानक आए करंट से गई जान। झारखंड के रामगढ़ में बारूद ढोने वाली गाड़ी से 4 मासूमों को रौंदा गया, 2 की मौत, अन्य गंभीर रूप से जख्मी। पलामू में बाइक समेत 2 लोग नहर में गिरे, 1 की मौत, जख्मी शख्स को निकाला गया। एटा में किन्नरों का थाने में हंगामा, बधाइयां देकर पैसे के लेन देन में विवाद। कौशाम्बी में अवैध संबंधों के शक में महिला का मर्डर, पति और बेटे पर हत्या का आरोप। अलवर में महिला से गैंगरेप, आरोपियों ने एमएमएस बनाकर वीडियो किया वायरल। गाजियाबाद में 25 सितंबर को हुई कारोबारी की हत्या मामले में लोगों ने निकाला कैंडल मार्च, आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग। गाजीपुर में 50,000 के 2 इनामी बदमाश गिरफ्तार, हथियार जब्त। गाजियाबाद के इंद्रापुरम इलाके में पुलिस का ऑपरेशन क्लीन, गोलीबारी के बाद 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। हाजीपुर में महिला से गैंगरेप, प्रेमी और उसके दोस्तों पर लगा आरोप, 1 गिरफ्तार। लखनऊ में रेलवे टिकट बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 1 गिरफ्तार। बरेली में जिला अस्पताल की टॉयलेट मिला नवजात, किसी महिला पर उसे फेंक कर फरार होने का शक। एटा में कोचिंग से लौट रही छात्रा को मनचलों ने मारी गोली, बदसलूकी का विरोध करने पर वारदात। शहडोल में 2 युवकों पर बदमाशों ने किया चाकू से हमला, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। आज बीएचयू में स्वतंत्रता भवन में गृहमंत्री अमित शाह का कार्यक्रम, उससे 1 दिन पहले छात्रों और दुकानदारों में झड़प। बक्सर में शराब के नशे में 2 पुलिस वाले आपस में भिड़े, दोनों को भेजा गया जेल। सिंगरौली में जमीन विवाद में जमकर मारपीट, 1 शख्स की मौत, 5 से ज्यादा जख्मी। शाहजहांपुर रेत मामले में चिन्मयानंद की न्यायिक हिरासत 14 दिन बढ़ी, अब 30 अक्टूबर को अगली पेशी। हाजीपुर में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद बदमाशों को दबोचा, 2 घंटे तक चला अभियान। असम के चिरांग में सेना और पुलिस को बड़ी कामयाबी, भारी मात्रा में हथियार जब्त। फिर गहरा सकता है प्रदूषण से संकट, कुरुक्षेत्र में बेरोक टोक जलाई जा रही है पराली। पटना में जल जमाव के बाद डेंगू कहर, पूरे जिले में 1,000 से ज्यादा मामले, बीजेपी के 2 विधायक भी बीमार। तमिलनाडु में लौटते मॉनसून की दस्तक, तटीय इलाकों में जोरदार बारिश। सुप्रीम कोर्ट में पूरी हुई देश के सबसे बड़े मुकदमे पर बहस, अयोध्या विवाद पर अदालत ने सुरक्षित रखा फैसला। रिटर्न सबमिशन मोल्डिंग ऑफ द रिलीफ पे और कोर्ट ने इस मामले में जजमेंट रिजर्व कर लिया है, फैसला सुरक्षित कर लिया है। अब सुप्रीम कोर्ट 17 नवंबर से पहले पहले कभी भी फैसला सुना सकता है। आज आपस में केस से जुड़े पहलुओं पर माथापच्ची करेंगे बेंच के न्यायाधीश, अगले 1 महीने के अंदर फैसले की उम्मीद। कल सुप्रीम कोर्ट में निर्मोही अखाड़ा की लिखित दलील, कहा आंतरिक और बाहरी अहाता जन्मभूमि के रूप में मान्य, हमें रामलला के मंदिर में पुनर्निर्माण, रखरखाव और सेवा का मौका मिलना चाहिए। निर्मोही अखाड़े ने यह भी कहा कि कोर्ट चाहे तो यूपी सरकार को निर्देश देकर बाहरी इलाके में वक्फ बोर्ड को मस्जिद के लिए जगह दिला दे। पुंछ में फिर पाकिस्तानी की गोलीबारी, एक महिला की मौत, कठुआ में सीमा पार फायरिंग। फिर पाकिस्तान ने लापा कश्मीर राग, विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा घाटी में हालात फिलहाल काफी संवेदनशील। शोपिया में आतंकियों ने फिर 2 फल विक्रेताओं को मारी गोली, 1 की मौत, दूसरे का इलाज जारी। 20 अक्टूबर से शुरू होगा करतारपुर जाने वाले श्रद्धालुओं का रजिस्ट्रेशन, पहले जत्थे को पीएम मोदी कर सकते हैं रवाना। प्रस्तावित योजना के मुताबिक 8 नवंबर को पीएम मोदी करतारपुर कॉरिडोर का करेंगे उद्घाटन, 31 अक्टूबर तक निर्माण पूरा होने की उम्मीद। मुंबई में प्रोड्यूसर रमेश तौरानी की दिवाली पार्टी में पहुंचे सलमान खान, कई अन्य बॉलीवुड हस्तियों ने की शिरकत। चुनाव के मद्देनजर मुंबई में गाड़ियों की चेकिंग तेज, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर सीआईएसएफ जवानों ने की तलाश। फिर सड़क पर उतरे पीएमसी में खाता धारक,
कोर्ट से लगाई इंसाफ की गुहार, जल्द सुनवाई की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट तैयार। एसबीआई और मोटर ने कर्ज चुकाने के लिए संपत्ति बेचने की मांगी इजाजत, जांच एजेंसियों को लिखी चिट्ठी। आर्थिक अपराध शाखा ने पीएमसी बैंक के सेकंड डायरेक्टर सुरजीत सिंह अरोड़ा को भी किया गिरफ्तार। मुंबई में पीएमसी के खाताधारक महिला डॉक्टर ने की खुदकुशी, पुलिस का दावा खुदकुशी का पीएमसी से कोई लेना देना नहीं। मध्यप्रदेश सिवनी में एक शख्स ने की खुदकुशी, बेटी के 3 महीने से लापता होने से था परेशान। सूरत में हीरा उद्योग से जुड़े एक शख्स ने की खुदकुशी, परिवार का दावा 3 महीने से नहीं मिला था कोई काम। गुवाहाटी में डिटेंशन कैंप में रखे गए बुजुर्ग की मौत, परिवार की मांग, पहले भारतीय नागरिक घोषित करे सरकार तब लेंगे शव। उड़ीसा के बालासोर में 1 करोड़ कीमत की ब्राउन शुगर बरामद, गिरफ्तार तस्कर के पास एक पिस्टल भी मिली। बिहार के औरंगाबाद में 2 ऑटो रिक्शा में आमने सामने की भिड़ंत के बाद धमाका, एक शख्स की मौत, 7 घायल। सुकमा में ढोल की थाप पर झूमते दिखे छत्तीसगढ़ के मंत्री कवासी लखमा, ग्रामीणों के साथ जमकर नाचे। दिल्ली में पालम एयरपोर्ट से आरआर हॉस्पिटल तक बनाया गया ग्रीन कॉरिडोर, ह्यूमन ऑर्गन लाने के लिए 5.8 किलोमीटर की दूरी 5 मिनट 10 सेकंड में पूरी की गई। इटावा में एसएसपी ने बांटे हेलमेट, महिलाओं ने अपने पतियों को पहनाकर दिलाई ट्रैफिक रूल पालन करने की शपथ। भुवनेश्वर में खुला रोबो रेस्टोरेंट, रोबो निभाते हैं वेटर की भूमिका। करवा चौथ का पर्व, धौलपुर पुलिस ने महिला पुलिसकर्मियों के लिए छुट्टी का किया ऐलान। जैसलमेर में सीमा पर महिला जवानों ने मनाया करवा चौथ, सरहद पर दिखी अनूठी तस्वीर। होशंगाबाद में जंगल सफारी के दौरान पर्यटकों के सामने आया बाघ, खौफ में आए सैलानी। पन्ना टाइगर रिजर्व में 2 बाघिनों ने बच्चों को दिया जन्म, बाघों की संख्या हुई 139। कुल्लू में 2 पर्यटक पार्वती नदी में बहे, एक को बचाया गया, दूसरे का सुराग। रणथंभौर नेशनल पार्क में 2 बाघों के लिए बीट्स वर्चस्व की लड़ाई छिड़ी, कैमरे में कैद हुई भीषण जंग की तस्वीर। परीक्षा ने भुवनेश्वर गए यूपी बिहार के छात्रों का रेलवे स्टेशन पर हंगामा, पुलिस ने ट्रेन से उतारकर बुरी तरह से पीटा। दिल्ली के कल्याणपुरी में दिनदहाड़े एक शख्स पर चाकू से हमला, सीसीटीवी में दिखी खौफनाक वारदात। बाराबंकी में सीएम योगी की रैली में स्कूली छात्रों को पहनाई गई बीजेपी की टोपी, कार्यकर्ताओं की तरह किया गया इस्तेमाल। बजाज का नया इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च, दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दिखाई हरी झंडी। होशंगाबाद में खराब सड़कों के मुद्दे पर बीजेपी कांग्रेस में पोस्टरबाजी, एक दूसरे पर फोड़ा ठीकरा। मध्यप्रदेश की सड़कों पर हेमा मालिनी के गाल जैसा बनाने के मंत्री पीसी शर्मा के बयान पर बीजेपी का पलटवार, प्रदेश उपाध्यक्ष ने पूछा सोनिया और प्रियंका गांधी का उदाहरण क्यों नहीं दिया। शिवपुरी के सरकारी अस्पताल में दिखी संवेदनहीनता की हद, एक शख्स की मौत से 5 घंटे बाद तक पड़ी रही लाश, शव में लगी चीटियां। मध्यप्रदेश के बुरहानपुर में पुरानी रंजिश में एक शख्स की बेरहमी से हत्या, 7 आरोपियों ने किया चाकुओं से हमला। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों से पुलिस की मुठभेड़, 3 लाख का इनामी नक्सली कमांडर ढेर। हरियाणा की हिसार सीट पर अनोखा उम्मीदवार, खुद ही प्रदेश अध्यक्ष, खुद ही कार्यकर्ता, साइकिल से करते हैं चुनाव प्रचार। अमृतसर में दंपत्ति की खुदकुशी से सन्नाटा, सुसाइड नोट में दुकान छोड़ने के लिए दबाव का जिक्र। पठानकोट में बिस्किट फैक्ट्री में भीषण आग, मिनटों में पूरी फैक्ट्री जलकर खाक, लाखों का नुकसान। हरियाणा के फतेहाबाद में किसानों को प्रशासन की धमकी, कहा संसाधन मुहैया करवाए सरकार, नहीं तो जबरन जलाएंगे पराली। दिल्ली के विकासपुरी में बंद मकान में चोरों का धावा, लाखों के जेवर और कैश पर हादसा। बिहार के मुजफ्फरपुर में अप्रैल से खेल मैदान में खड़ा है हेलीकॉप्टर, 2 शिफ्ट में पुलिस का पहरा। बेगूसराय में हथियार तस्करी के मामले में पूर्व पार्षद गिरफ्तार, 8 पिस्टल 390 कारतूस बरामद। अयोध्या से 183 किलोमीटर दूर भारत नेपाल के शुनौली बॉर्डर पर हाई अलर्ट, तलाश तेज। मुजफ्फरपुर में दिखी दरोगा की दबंगई, ऑर्केस्ट्रा के दौरान लहराई सरकारी पिस्टल। जमशेदपुर में गो तस्करों से पुलिस की मुठभेड़, 50 से ज्यादा गाय और बैल छुड़ाए गए। यूपी के हमीरपुर में सामने आया 3 तलाक का एक और मामला, पति ने घर से निकाला, पीड़ित की रिपोर्ट नहीं लिख रही है पुलिस। शोपिया में मारे गए ट्रक ड्राइवर का शव, भरतपुर पहुंचने पर हंगामा, ग्रामीणों ने रखी परिवार के एक सदस्य के लिए सरकारी नौकरी की और 50 लाख मुआवजे की मांग। भरतपुर में संपत्ति विवाद, भतीजे की गोली मारकर हत्या, आरोपी चाचा फरार। भीलवाड़ा में ऑनलाइन ठगी के मामले में नाइजीरियन दंपत्ति गिरफ्तार, बुजुर्ग महिला को लगाई थी करीब 44 लाख की चपत। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में बाघ की खाल और हड्डियां बरामद, 2 विदेशी तस्कर गिरफ्तार। बाराबंकी की रैली में कांग्रेस पर बरसे सीएम योगी, महापुरुषों के अपमान का जड़ा आरोप। कानपुर में 75 वारदात के आरोपी, शातिर चोर के गैंग पर शिकंजा, करीब 3 लाख कीमत की चोरी का सामान बरामद।
मेरठ में एटीएस ने संदिग्ध को किया गिरफ्तार। पाकिस्तान में लगातार फोन पर बातचीत के चलते सर्विलांस पर आया आरोपी। सोनभद्र के प्रधान के चुनाव में दो गुटों में जबरदस्त झड़प, गोली लगने से एक शख्स जख्मी। मुजफ्फरनगर में हिस्ट्री शीटर ने थाने में किया सरेंडर, अपराध से तौबा करने का दिया शपथ पत्र। 19 अक्टूबर से होगा दक्षिण अफ्रीका के साथ तीसरा और आखिरी टेस्ट, रांची पहुंची मेहमान टीम। दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज ककिसो रबारा ने माना मुश्किल हो गया है भारत दौरे पर दबाव से पार पाना, कहा नहीं जानते झेल पाएंगे या नहीं। महेंद्र सिंह धोनी ने कहा कि दूसरे खिलाड़ियों की तरह ही भड़कती है उनकी भी भावनाएं, लेकिन बेहतर तरीके से कर लेते हैं नियंत्रण। बीसीसीआई के नए अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने विराट के लिए रखी विश लिस्ट, कहा चाहता हूं आईसीसी टूर्नामेंट जीतने पर लगाएं ध्यान। बांग्लादेश गेंदबाज मुस्तफिजुर का भारत दौरे पर आना तय नहीं, बांग्लादेश के चीफ सिलेक्टर बोले पहले पास करना होगा फिटनेस टेस्ट।